संजय दत्त और सनी देओल जब क्षत्रिय मूवी में साथ में काम कर रहे थे तब हर रोज शूटिंग कंप्लीट होने के बाद सारे एक्टर्स होटल पर अपने अपने कमरों में जाकर आराम करते थे। तब संजय दत्त हर रोज अपने कमरे में शराब पीकर शोर मचाते थे और जोर जोर से चिल्लाते थे और इस चीज को लेकर सनी देओल और दूसरे सारे कलाकार काफी परेशान हो गए थे। एक बार ये हुआ कि जब सारे एक्टर शूटिंग खत्म हो जाने के बाद अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए गए तब उस दिन सनी देओल काफी थके हुए थे, उन्हें आराम की जरूरत थी और वो सोना चाहते थे, मगर उस दिन भी बगल वाले कमरे में फिर से संजय दत्त शराब पीकर हंगामा करने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, जिसकी वजह से सनी देओल की नींद खराब हो रही थी और इसलिए सनी देओल को उस दिन इतना गुस्सा आया कि वो संजय दत्त के रूम के बाहर गए और दरवाजे पर जोर जोर से ठोकने लगे और संजय दत्त से लड़ाई करने के लिए वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। मगर जब सनी ने देखा कि संजय बुरी तरह नशे में चूर है तब उन्होंने संजय दत्त से दूसरे दिन सुबह को बात करना ठीक समझा, मगर जब सुबह हुई तो संजय दत्त को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सनी देओल से अपनी गलती के लिए माफी मांगी।